नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल पचाला। आप देख सकते हैं इस पर मैं मौजूद हूं उधमपुर के इंदिरा चौक में, और आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें। लोग यहां पर जिस तरह से क्राउड बनाकर यहां पर खड़े हैं, लगता है कोविड-19 का खतरा जो कि उधमपुर में इस वक्त ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कई बार जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा और सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि घरों में बैठे रहे, लॉकडाउन चल रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं चीफ वार्डन भी यहां पे मौजूद हैं, सुरक्षा बल भी यहां मौजूद है, IDBP लोग यहां पे मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चीफ वार्डन जी। आपका हिमाचल में स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि इंदिरा चौक में लोगों का जो कि क्राउड देखने को मिल रहा है, लोग अपना सामान जो कि दुकानों से खरीदने जा रहे हैं और काफ़ी दुकानें आज खुली नज़र आ रही हैं। देखिए, ये एक प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर लिया था कि जो ज़रूरी सामान है लोगों का, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, या रेडीमेड का सामान हो गया, या मोबाइल वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह, उनकी जो दुकानें थी वो खोलने का एक ट्रायल किया गया था प्रशासन की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन ने ये जिम्मेवारी दुकानदारों के ऊपर रखी थी कि वो अपनी दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करेंगे। क्या आप लगता है आपको कि अगले दिन भी जो है इस तरह से दुकानें खोली जाएंगी? नहीं नहीं, अभी ये आज खुली हैं, अब नेक्स्ट टाइम ये संडे को खुलेंगी ये दुकान। मेरा कहने का मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज आप क्राउड देखने को मिल रहा है गोल मार्केट में, तो क्या लगता है कि प्रशासन अगले दिन भी दुकानें खोलने की अनुमति दे सकता है? नहीं, क्योंकि ये जहाँ पर क्राउड हुआ है ये दुकानें आज 1.5 महीने के बाद खुली हैं, और ये दुकानें अब ये संडे को खुलेंगी। लेकिन इसके बारे में प्रशासन को सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से इसको रिव्यू करना पड़ेगा इस आर्डर को, क्योंकि प्रशासन को या हम लोगों को भी इतना पता नहीं था कि इतना क्राउड जगदम बाजार में आ जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, और लोगों में भी अभी इतनी जागरूकता नहीं है कि वो समझें कि सोशल डिस्टेंसिंग के मायने क्या हैं। सुरेंद्र साहब, जिस तरह से लग रहा है कि कोरोना वायरस के जो कोविड-19 केसेज हैं लगातार जम्मू डिवीज़न में बढ़ रहे हैं, आप रियासी की बात करें या कठुआ की बात करें या सांबा की बात करें, आप देख रहे हैं लगातार जो पॉजिटिव केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, पर क्या उधमपुर के लोगों में कोविड-19 का जो खतरा था क्या ख़त्म हो चुका है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनमें जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो दुकानें आज खोली गई हैं, जिस तरीके से 8-9 ट्रेड जो हैं वो आज खोले गए हैं, उसके बारे में रिव्यू करना पड़ेगा, और इनको फिर दोबारा से मेरे ख्याल में चार्ट बना के दुकानों को बारी बारी खोलना पड़ेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जिसके लिए पूरा प्रशासन, आप देख रहे हैं कि तहसीलदार उधमपुर जो मोहित गुप्ता जी हैं, वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रोजाना पिछले 1.5 महीने से स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं सोशल डिस्टेंस जो है वो उस वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज हमें उसके बारे में ये हमें कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि वो आज इंस्टिंक्ट जो था वो मिसिंग है कहीं ना कहीं, और इसलिए हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे और लोगों से तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भैया ये जिंदगी बचाने की जंग है, और यहाँ पर हर शख्स अपने आप में एक वॉलंटियर है, उसे अपनी जान भी बचानी है और दूसरों की जान जोखिम में ना पड़ी इसके बारे में भी सोचना है। तो ये थे कुछ चीफ वार्डन, और जिसने इन्होंने भी लोगों से निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है कि घरों से बाहर ना निकलें, ये जिंदगी का सवाल है। तो इसी विषय पर कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं जी, अपना नाम बता दें। तारिक से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से इंदिरा चौक में आए हैं, किस तरह का क्राउड देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पिछले कई दिनों से हमारे लोग जो हैं लगे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमने देखा ये जो सरकार ने फैसला करा हुआ है, इससे ये लगता है कि अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं हैं। आप देखिए, लोग बच्चे, छोटे बच्चे, 3 साल का 1.5 साल का बच्चा गोद में उठा के लोग मार्केट में आ जाते हैं। तो हमारी संस्था पहले भी ये कहती रही कि ये लड़ाई जनरेशन की है, लंबी लड़ाई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि लोकल वोकल, यानी कि अपने ही साधनों से अपने आप को तैयार करना है। तो ये इन लोगों को, इस करोड़ को भी ये देखना है कि किस तरह से मार्केट में आना है ताकि करोड़ ना बढ़े। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, ज़रूरत हो तो ही शहर के दुकानों की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि घूमने के लिए अब ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है। मैंने भी इतनी उम्र में ज़िंदगी में पहली बार ये चीज़ रियलाइज़ की कि जिन लोगों के हम गले लगा करते थे, आज वो लोग हमसे दूर होकर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एक भावना बन चुकी है कि आने वाले जनरेशन के लिए इस सृष्टि पे कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है। क्या मानते हैं तारिक जी, जिस तरह से कोविड-19 का जो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्या उधमपुर में खतरा कम होता जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और तमाम लोग मिलके बेहद बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ,
जब इस तरह के फैसले होते हैं एकदम, तो लोग अवेयर नहीं होते हैं, जल्दी निकल आते हैं। अब नए किस्म की दुकानें, मोबाइल की दुकान, क्लॉथ की, रेडीमेड की दुकान और शूज़ की, ये दुकानें जब खुली तो लोगों का हजूम उबड़ पड़ा। तो लोगों से यही अपील है कि प्लीज़ आप तरीके से चलेंगे तो सब कुछ खुलेगा। अगर आप इस तरह का व्यवस्था बना लोगे तो फिर इसके लिए सरकार भी मजबूर हो जाएगी, हम वॉलंटियर भी मजबूर हो जाएंगे और हम खुद अपील करेंगे कि इससे बेटर है कि ये बाज़ार बंद रहें ताकि बीमारी जो है वो आगे घर ना करे। तो ये थे तारिक शाह जी, एनजीओ जियो और जिन्हें दो के प्रधान। और आपको बता दें, जिस तरह से आप विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरह से क्राउड जो कि इंदिरा चौक में देखने को मिल रहा है आज, और काफ़ी दिनों के बाद लोगों की हलचल इंदिरा चौक में देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तौर पर लोग आज घरों से बाहर निकले हैं अपना जो कि सामान है दुकानों से खरीदने के लिए। और साथ ही साथ आपसे आपको बता दिया जाए कि उधमपुर में आज जो कुछ नॉन एसेंशियल दुकानें खोली गई थी उस वजह से आज कुछ बाज़ार में जो क्राउड है लोगों का वो देखने को मिल रहा है। लगता है, ऐसा लगता है, सवाल अब ये है कि क्या कोरोना वायरस का डर उधमपुर में ख़त्म हो चुका है? जिस तरह से लगातार केसेस जम्मू डिवीज़न में बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि सांबा की बात करें, रियासी की बात करें या कठुआ की बात करें, तो लगातार पॉजिटिव केसेस जो कि बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और उधमपुर में भी कुछ दो एक्टिव केसेस पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।